नमस्कार, मेरे चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज मैं नान खटाई बिस्किट बनाई हूँ। देखिए कितना हमारा अच्छा फटा फटा सा बना है हमारा नान खटाई। जरूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। देखिए एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्टी बना है। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए ये मैं दिखाती हूँ, कैसे बनेगा चलिए ये भी मैं बताती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लिए हैं। आप चाहें तो इसके जगह पतीला भी ले सकते हैं, चाहे बड़ा भगामना भी ले सकते हैं, चाहे कुकर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले नमक डालेंगे, फैला देंगे चारों तरफ। नमक हमारा बाद में खराब नहीं होगा, ये हमारे फिर काम आ जाते हैं। नमक डालने से हीट हमारा बराबर रहता है, इसलिए पहले हम नमक डालेंगे। इसमें हम एक रिंग डाल देंगे। आप चाहें तो रिंग के जगह कटोरा भी रख सकते हैं, चाहे प्लेट भी रख सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गरम करेंगे। तब तक ले हम बिस्किट के लिए आटा गूंथ लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप घी डाल देंगे। प्योर देसी घी डालना है। 1 कप पीसी हुई चीनी डाल देंगे। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाना है। जितना अच्छा ये मिलेगा उतना ही अच्छा हमारी बिस्किट बनेगी। इसको कम से कम 5 मिनट तक मिलाना चाहिए। इसमें 2 चम्मच सूजी डाल देंगे और 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। इसको भी इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम मीठा सोडा डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। इसमें और हम आधा कप मैदा डालेंगे और इसको निकाल के हाथ से अच्छी तरीके से इसको गूथेंगे। इसको अच्छी तरीके से हाथ से गूथेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच डाल देंगे, इसी में अच्छी तरीके से गूथ लेंगे। ध्यान रखें इसमें पानी नहीं डालना है। देसी घी से बिल्कुल अपने आटा को डोट तैयार करना है बिस्किट के लिए। अगर घी कम पड़े तो इसके जगह दूध भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम बिल्कुल आटा गूंथ के तैयार कर लिए हैं। देखिए एक हम प्लेट लेंगे, जिस प्लेट में हमें रखना है उस प्लेट में हम घी लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो उस वो भी रख के बिस्किट रख सकते हैं। अब देखिए हम छोटे छोटे लोई काट के अपना बिस्किट तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल पेड़ के तरह हमारा बिस्किट, देखिए ऐसे करके हम बना लेंगे। बिल्कुल कहीं से हमारा बिस्किट फटा नहीं है। इसको हम रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बिस्किट तैयार करेंगे। छोटे छोटे लोई काटेंगे आगे। देखिए बिल्कुल हमारा बिस्किट चिकना है। इसको ऐसे करके धीरे धीरे करके दबाएंगे पेड़ के तरह। इसको दूर दूर रखना है, बिल्कुल पास में नहीं रखना है, इसलिए कि फैलता है डबल तो आपस में चिपक जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा दूरी 1 इंच के दूरी बना के हम भी रख रहे हैं। 1 इंच के दूरी बना के रखेंगे। इसी तरह हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। देखिए देखिए हम बिस्किट बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक पिस्ता से इसको इसके ऊपर एक एक पिस्ता हम चिपका देंगे। देखिए हमने सारे बिस्किट पे एक एक पिस्ता हम चिपका लिए हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब ये हमारा गर्म हो गया है। देखिए नमक में से हमारा भाप आने लग गया है। अब हम इसमें अपना बिस्किट रख देंगे। इसको 10 से 12 मिनट तक ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा दिख रहा है, फटाफटा हो गया है हमारा बिस्किट। देखिए एक बिस्किट उठा के दिखाते हैं। देखिए हमारा बिस्किट कितना अच्छा नीचे से सिक गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमने सारे नान खटाई बिस्किट बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा फटे फटे बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। इसको जरूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।